हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्यु लोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते। जय सच्चिदानंद। देवयोग माया, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहाँ हो प्रभु? अलख निरंजन। लगता है घर में कोई नहीं है। अलख निरंजन। बाबा, किसे बुला रहे हो? गृह स्वामिनी को माई। भिक्षा चाहिए? हाँ माता। बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। प्रभु, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। यशोदा रानी, आओ काकी। क्या है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से रिक्शा के लिए खड़ा है, तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो? अरे जल्दी से उसे रिक्शा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं आई। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें।
हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वही भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते। भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने बालक को मत लाना। ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। शक्तिपति है, शक्तिपति है। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। पूर्णमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। जा बेटी। हाँ। जाओ यशोदा। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो। भैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं। नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रच तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु। ये कहां का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ओ मैया, निरख मुख लाल का। पार है प्रभु। पूर्णमासी बुआ, ये किसे प्रणाम कर रही हो और ये साधु कौन थे? त्रिभुवन के पति, इनके सखा नंद बाबा। इस धरती को प्रणाम करो जहां उनके चरण पड़े थे। ये तो सचमुच कोई देवता थे। तू कौन है रे? तुझे मिलने कभी राक्षस आते हैं, कभी देवता। बोलना, तू कौन है? जय सच्चिदानंद। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता, आज क्या बात है नाथ? भगवान शिव हमारे कारण नंगे पांव धरती पर गए हमसे मिलने के लिए। ये ऐसा ऋण है राधे, जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि धरती पर उनका बाल रूप में
कभी जन्म नहीं होता। सो शास्त्र कहता है, जब ऋण चुकाया ना जा सके तो ऋणी को चाहिए कि वह हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे। उसका ऋण चुक जाता है। और ये प्रणाम का नया ऋण जो आपने हम पर चढ़ा दिया है, इसे हम कब उतारेंगे? ये हिसाब रखना तो आप ही का काम है प्रभु। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमी और भक्त दोनों को हिसाब रखना नहीं आता।